देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चोरी करने के, ये लाल वाली गाड़ी को चोरी करते हैं व्हाइट वाली गाड़ी से उतर करके, वो भी लेडीज कपड़े में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे से होंगे। दोस्तों, अगर जो आप कुवैत में आते हैं, पहली बार आते हैं चाहे कभी भी आते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। कल एक घटना हो गया और आज मेरे को कपिल, मुझे नहीं पता था कपिल मुझे जो है अब भी जस्ट ड्यूटी गया है, तो मेरे को यहाँ खड़ा करके, मैं बच्चों को छोड़ के आया हूँ, अभी जस्ट मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और इधर से मेरा कपिल जा रहा था बैक करके गाड़ी, तब तक मेरे को देख लिया है, पेट्रोल का पैसा दिया है और वही मेरे को रुक के 5 मिनट तक समझा रहा था। ठीक है, 5 मिनट तक समझा रहा था कि देख ये गलती मत करना, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं और बाद में झेलना पड़ता है। एक कुवैती के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, या फिर आप सब्सक्राइबर हैं चाहे नहीं है उससे मतलब नहीं है, अगर जो आप कुवैत आ रहे हैं चाहे किसी भी गल्फ कंट्री में, ये चीज मैंने पहले भी कई बार सुना था, सऊदी में भी और यहाँ भी, आपको तो बता दे रहा हूँ वो क्या आपको नहीं करना है। उसी के साथ कई चीज है, एक चीज नहीं, मैं 4-5 गलतियां जो आपको लोग कॉमन, मैं भी करता हूँ कभी कभी, तो वो भी आपको नहीं करना है, मुझे भी नहीं करना है। अभी मेरे को कपिल मेरा खुरुक के समझा रहा था, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ड्राइवर है तो वो आगे जाके परेशानी में पड़े, कुछ भी उसके साथ ऐसा वैसा हो और उसको लेना के देना पड़े। तो चलिए, चैनल पे नए हैं, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ गाड़ी में, आपको बताता हूँ क्या है वो 5-6 बातें जो आपको नोट करना है। देखिए, अभी जस्ट निकला तो बताया है मेरे को कि इसका कपिल का जो है कोई दोस्त है, कपिल का दोस्त है, उसके पता नहीं क्या दिमाग में आया है, बोल रहा है कि कपिल का दोस्त है, मैं बोल रहा है मेरा दोस्त है, उसका ड्राइवर आया है, नया नहीं है, मतलब पुराना है, जैसे इसके पहले कुवैत में फर्स्ट टाइम है, इसके पहले कहीं था वो, और वो जो है कि गाड़ी लेके गया था अपने बिना बताए, बिना कपिल को बताए, कुछ भी बताया नहीं, सोचा कि यहीं जाना है, कुछ काम से गया था और वो बाद में बताया कि मैं बकाला गया था, लेकिन वो कहीं और गया था। कपिल को अब कैसे बोला कि गया था वो अपने काम से, और उससे क्या गलती हुई, दरवाजा खुला था, क्या था पता नहीं, गाड़ी अनलॉक थी, खुली थी, और उसमें दो मतलब कुवैती थे, चोर टाइप के थे, हर जगह आपको पता है चोर वगैरह होते हैं, तो वो दो लोग थे और क्या किए, गाड़ी को ही गायब कर दिए, और जैसे अंदर गया। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, देखिए चोरों की गाड़ी है, खड़े हैं सब, ध्यान से देखिएगा, ये ब्लिंक कर रहा है, और रेड वाली गाड़ी को चोरी करना है इनको, क्या करना, देखिए रेड वाली गाड़ी आ रही है, ये विक्टिम की गाड़ी, जिसकी गाड़ी है ये, देखिए दुकान है आगे सुपर मार्केट, और ये गाड़ी यहाँ पे पार्क हो रही है, ठीक है, और वो पहले से खड़े हैं सब, के पहले कोई और गाड़ी के चक्कर में थे सब शायद, देखिए अब ये गाड़ी खड़ी हुई है, सऊदी चालू गाड़ी बस ऐसे छोड़ के चला गया, ठीक है, कुवैती चला गया, और ये देखिए पीछे, देखिए गाड़ी की व्हाइट वाली गाड़ी में, देखिए पीछे दरवाजा में खुला और फिर बंद हो गया, अभी कुछ देर में निकलेंगे सब। अब देखिए ये पूरा बुरखा पहने हैं सब, ये जेंट्स है, ये लड़की नहीं है, जेंट्स है, और ये पहनावा देखिए इसका, और ऐसे पहन के अब गाड़ी में बैठा धीरे से, वो बेचारा तो अंदर गया दुकान में, उसको कुछ पता ही नहीं। अब देखिए ये अंदर गया और ये गाड़ी चालू करके बैक कर रहा है, बैक करके धीरे धीरे एकदम आराम से, घाई घाई भी नहीं है कि हाँ तेज, देखिए अब ये पूरा पुल में देखिए, देख सकते हैं पूरा, अब ये लेके गायब, अब ये ढूंढते रहे, बकाले के अंदर गया कि कहाँ गया, अब पूरा डिटेल में हमको नहीं बताया, बोला कि वो गया था कहीं और वहां से जाके गाड़ी खड़ा करके चाबी उसमें लगा था और 1 से 2 मिनट के लिए अंदर गया, उतने में गाड़ी गायब। आप सोचिए गाड़ी गायब होगी तो ड्राइवर के ऊपर क्या बीतेगी, अगर जो मेरी गाड़ी मैं कहीं लेके जाता हूँ वो भी बिना कपिल को बताए, चलो बता के जाता हूँ तो एक वो होता कि हाँ कपिल भी बोलेगा भाई मेरे काम से गया था, उसको पता है, बोल सकते हैं बाबा कि इधर आया ऐसे से हो गया, लेकिन अगर जो बिना बताए आप जाते हैं तो कैसे बोलेंगे, 2 मिनट के लिए तो आप पहली बार तो आपको दिमाग काम ही नहीं करेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, गाड़ी कहाँ चली गई, अब वो गाड़ी गायब हो गई, उसके बाद वो अभी अब अपने दो अपने कपिल को नहीं फोन किया, डर रहा था, जो उसको बुलाया उसको फोन किया, रोने लगा कि भाई ऐसी सी बात है, मैं कपिल को बताया नहीं और इधर आ गया हूँ और इधर से गाड़ी गायब हो गई, तो बोला अरे मेरे को मत फोन कर, सबसे पहले तो तू कपिल को फोन कर,
तो तेरे को डांटेगा बोलेगा वो बात की बात है, पहले तू कपिल को फोन कर, नहीं जितना लेट होगा वो गाड़ी नहीं मिलेगी। तो तुरंत कपिल को फोन किया, कपिल जो है तुरंत सुरता को फोन किया, उसके बाद अपने गया। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद मिल गई। पता है क्यों कैसे मिल गई? क्योंकि उसके गाड़ी में, उसकी गाड़ी नई थी, जीपीएस लगा हुआ था, जीपीएस लगा था और गाड़ी नई थी, अभी ज्यादा पुरानी भी नहीं थी, तो जीपीएस से पता नहीं कैसे पुलिस वाले उसको ढूंढ लिए। और जब वहां पहुंचे सब तो गाड़ी खड़ा करके वो भाग गए थे सब, वो जो लेके भागे थे गाड़ी ना वो उसमें थे नहीं। गाड़ी जब उनको लगा कि अब गाड़ी पकड़ी जाएगी तो गाड़ी खड़ा करके भाग गए थे सब। चलो एक तो गाड़ी गायब हो जाती है, पता है आपको यहाँ पे गाड़ी गायब होती है उससे क्राइम करते हैं सब। मैं सऊदी में था, मेरे रूम के अगल बगल में गाड़ी कम गायब होती थी, गाड़ी का नंबर प्लेट गायब होता था, नंबर प्लेट गायब करके और उसी से चोरी वगैरह क्या क्या करते थे सब। और या फिर जो है कि गाड़ी जो है ये स्टंट जो बहुत ज्यादा करते हैं, स्टंट वगैरह करके रोड पे गाड़ी 120 मतलब फुल स्पीड में चला के कैमरा वगैरह लगा देते थे और बाद में आपके ऊपर कैमरा आता था। तो मेरा कपिल वहां भी बोला था कि गाड़ी एक कैमरे के पास खड़ा करना, कभी भी उसका ऑफिस था मेरे रूम के बगल में ही थोड़ी दूर पे ऑफिस था, और कभी भी एक कैमरे के सामने होना चाहिए। या फिर कहीं अगर तू घूमने जाता है एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, उमरा वगैरह, तो गाड़ी घर पे खड़ा करना। तो ये भाई, ये मेरे दोस्त के साथ, मेरे कपिल के दोस्त के ड्राइवर के साथ हुआ। वो अभी मेरे को जस्ट बोला, नूर कहीं भी जाना, मैडम लोग चाहे बच्चे लोग साथ में बैठे हैं गाड़ी में, ये सबके लिए बता रहा हूं, बहुत जरूरी है, अक्सर होता है, बोल रहा है देख रोज कहीं ना कहीं होता है, कभी भी जाना। वो मेरे को समझा रहा, कभी भी जाना, बच्चे हैं साथ में, मैडम है, चाहे कुछ भी है, और गाड़ी में बैठे हैं सब, यहाँ इतने हरामी हैं सब, और तुमको बोलते हैं कि नूर ये दुकान से जाके पानी ला, जूस ला, चाहे होटल है, चाहे खाना लाया, जो भी ला। तो ड्राइवर क्या करते हैं, वो ऑर्डर कर देते हैं सब, बोलते हैं जाके ये लेके आ, अपने गाड़ी में बैठे रहते हैं सब। तो क्या करते हैं सब, गाड़ी चालू, एसी चालू छोड़ के, ताकि उनको गर्मी ना हो, और चले जाते हैं। अरे भाई ये तो है यहाँ, क्या उनको नहीं आइडिया होता है, और जैसे जाते हैं ना वो देखते रहते हैं सब, टन दे वो बैठे रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतने हरामी है ना, वो बैठे रहेंगे गाड़ी में, बैठ के गाड़ी लाख को क्या लेक भग जाएंगे। आगे थोड़ा सा ले जा करके उनको डंडे से, गोली से, बंदूक वगैरह सब रखते हैं सब, डरा के उतार देंगे, उधर सबको उतार के और गाड़ी के लेक भग जाएंगे। तो बोला कभी भी जाना, कहीं भी जाना, कोई भी बोलता है, मेरे लड़के चाहे मेरी मैडम चाहे कोई भी बोलता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई दुकान पे हो, चाहे स्कूल हो, कहीं भी हो, अगर जो तुमको उतरने के लिए बोलते हैं तो गाड़ी का चाबी लेके और गाड़ी लॉक करना, भले ही गर्मी हो, वो चलेगा 5 मिनट 10 मिनट चलेगा, उनको बर्दाश्त करना है, लेकिन गाड़ी में चाबी छोड़ के कभी भी मत उतरना। ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो भाई ये कभी भी आप आते हैं कुवैत में ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ही को ये भेजेंगे दुकान पे, ऐसे वैसे उतर के जाते नहीं है कोई भी हो। ये उतर के जाते नहीं है भाई, तो इसके लिए कभी भी आप आइए कुवैत में, चाहे सऊदी में, चाहे कहीं भी। सऊदी में भी मैं सुनता था अक्सर, उसका तो मैंने कई वीडियो भी देखा है कि गाड़ी आप इधर खड़ा करके जाए, कुवैती सऊदी सऊदी लोगों के साथ सऊदी खड़ा करके जाते हैं, आप पीछे से गाड़ी गायब। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा भैया, नहीं तो आप सोचिए गाड़ी अगर जो गायब हो जाए ना मिले, वो तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मिल गई, अभी उसका क्या हाल होगा, कपिल तो बहुत कुछ किया होगा, या तो हो सकता है उसको भगा दे, पक्का है भाई, जब ऐसा ड्राइवर है बिना बताए लेके गाड़ी चला जा रहा है तो नाराज करेगा वो, हो सकता है उसको घर भेज दे, चाहे बोलेगा नहीं चाहिए हमको, कहीं तनाजुल दे दे। लेकिन आप आते हैं, एक तो एक जान लीजिए कि कुवैती सऊदी की तरह है नहीं, ये दिल के जो है उतने होते अच्छे होते नहीं है। अब पता चला कहीं गाड़ी गायब हो गई, सोचिए अगर जो 5-10 हजार दिनार की आती है भाई, अगर जो नई गाड़ी है तो 15 हजार, बढ़िया गाड़ी है तो अब सोचिए, चलिए मैं 5 हजार दिनार का मान लेता हूँ, तो पता है आपको 5-6 साल आपको रखवाएगा यहाँ, और आपको जब तक भरवा नहीं देगा, पैसा पूरा कटवा नहीं लेगा, तब तक घर नहीं जाने देगा, सोचिए। तो कभी भी आइए भाई, तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। अभी मेरा कपिल बताया तो मैं बोला चलो सबको बताना चाहिए, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब लोग विदेशी आने वाले हैं या फिर विदेश से ही देखते हैं, तो बस ये छोटा सा वीडियो था, इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो देख करके लोगों को जो है पता चलेगा कि ये गलती नहीं करना है। अगर जो आप विदेश में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने अगल बगल कहीं ना कहीं ये देखा होगा यूट्यूब पे, चाहे आपने कहीं ना कहीं जो है कि ये सुना होगा, तो बस ये छोटा सा वीडियो, इसको शेयर करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।